नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया के बारे में। जी हाँ साथियों, कोरोना काल में पहले ही लोगों की कमर टूटी हुई है। जो विदेश की नौकरी पे डिपेंड थे, बहुत सारे लोग वहां बेरोजगार होके बैठे हैं, तो बहुत सारे लोग इंडिया में बेरोजगार होके बैठे हैं। लेकिन फिर भी सरकारें, विदेश की जो सरकारें, गल्फ की सरकारें, वो स्टेप बाय स्टेप फैसले लिए जा रहे हैं। और भाई जो है ना, बोलते हैं ना कि अकल बादाम खाए नहीं आती, ठोकर खाए आती है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जहाँ एजुकेशन बढ़ती है तो फिर सरकार भी सियाणी हो जाती है और वहां के लोग भी सियाणे हो जाते हैं। जी हाँ, अभी की न्यूज निकल के आ रही है कि जो लोग सऊदी अरबिया में 10 साल से काम कर रहे हैं, उनका वीजा रिन्यू नहीं होगा। जी हाँ, अब ये रिन्यू नहीं होगा का मतलब आप टेंशन न ले, हर आदमी के ऊपर ये लागू नहीं होगा, हर फील्ड के अंदर। ये उन्हीं लोगों के ऊपर लागू होगा जो लोग 10 साल से सऊदी अरबिया में फार्मिस्ट हेल्थ, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर में काम कर रहे हैं, यानी हॉस्पिटलाइज से रिलेटेड आप मान सकते हैं, जीएनएम एएनएम नर्सिंग स्टाफ की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, अब सऊदी सरकार ने क्या फैसला लिया है, हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज सऊदी से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सीधा सीधा फंडा है भाई, 1 जनवरी से आपको पता है ये कानून तो हालांकि पहले पास हो रहा था सऊदी की जो कैबिनेट है उसमें, लेकिन अभी का फैसला आ गया है जो सऊदी के जो उप स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल रहमान, जी हाँ साथी, उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया है पब्लिक हेल्थ सेंटर को और जो जहां से उनका वीजा रिन्यू होता है उनको, कि भाई जो लोग विदेशी लोग 10 साल से उनको टाइम 10 साल से ज्यादा हो चुका है या 10 साल हो चुके हैं जो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर में काम करते हैं, उनका वीजा रिन्यू नहीं किया जाएगा सख्ताई के साथ। जी हाँ, इसका रीजन क्या, हालांकि कुछ जगह उनको छूट दी गई है जिनको वो सऊदी मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके पावर से उनके वीजा रिन्यू हो सकेंगे। आप समझ सकते हैं भाई ऐसा क्यों हुआ। जी हाँ, अब भाई जैसे भाई बात है, वहां की जनरेशन पढ़ लिख रही है, बेरोजगारी तो वहां भी बढ़ हर जगह बढ़ती है, आपको पता ही है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारे लोग हैं वो पढ़ लिख के वही जॉब करें। जी हाँ साथियों, अब तो उनका सीधा सीधा फार्मूला है कि भाई ये जो फार्मिस्ट हैं सऊदी के लोग यहाँ पे जॉब करेंगे, फार्मिस्ट भी ये वही लोग करेंगे, इनको धीरे धीरे निकाला जाएगा। अब निकालने का मतलब ये तो नहीं कि तुरंत निकाल दें, तो एक सिस्टम बना दिया, एक सीमा बना दी कि जो 10 साल से ऊपर काम कर रहे हैं उनका वीजा रिन्यू नहीं किया जाएगा, जब उनका वीजा एक्सपायर हो जाएगा जैसे जैसे आप अपनी अपनी कंट्री चलते रहो। जी हाँ, तो ये सिस्टम बना दिया, उनकी जगह वो लोकल सऊदीज को लेंगे। अब लोकल उनका टारगेट ये है कि भाई इस सिस्टम को, हेल्थ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को सऊदी के लोगों को डाल के सऊदीज मॉडलीकरण इसको करना है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। हालांकि ये प्रोसेस जुलाई महीने से चल रहा है 2019 से। जी हाँ, 2020 जुलाई महीने से प्रोसेस चल रहा है। सऊदी अरब ने अपने देश में फार्मिस्टों को बदलने के लिए एक योजना के फर्स्ट चरण को लागू करने के लिए 20% फार्मेसी नौकरियों को धीरे धीरे 20% अदर कंट्री के लोगों को निकाला जाएगा, 20% अपने लोकल सऊदीज लोगों को वहां पे डाला जाएगा जॉब के माध्यम से। अब अचानक से तो 100% होगा नहीं, इसीलिए सिस्टम बना दिया ना कि भाई 10 साल से होंगे तो 10 साल के ज्यादा लोग नहीं है जॉब करने वाले वहां पे, बहुत कम है, तो 20-30% के दायरे में आएंगे, उनको निकाल देंगे, उनकी जगह उनको दे देंगे, इंडियन है पाकिस्तानी है उनके साथ उनको ट्रेनिंग दे देंगे, इतने में वो एकदम तैयार हो जाएंगे, फिर अपने लोगों की छुट्टी हो जाएगी, वो वहां पे कब्जा कर लेंगे। ये सिस्टम आने वाले टाइम पे होने वाला है, सऊदी कैबिनेट में ये फैसला हो चुका है। तो बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।